हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश के बुक का चैप्टर 3, द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो स्टोरी है ये लिखी है कैथरीन मैंसफील्ड ने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाइफ वॉज केजिया एफ्रिड ऑफ अ फादर। केजिया को अपने फादर से डर क्यों लगता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए केजिया, हाँ, शी वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज रूड एंड हार्श बिहेवियर। तो वो अपने फादर से क्यों डरती थी? क्योंकि उसके फादर का जो बर्ताव था वो काफ़ी रूड था और काफ़ी हार्श था। रूड और हार्श का मतलब होता है वो काफ़ी मतलब जैसे कि ना डराने वाला टाइप का बिहेवियर था उनका। काफ़ी अच्छे से बात नहीं करते थे वो और डांटते थे काफ़ी ज़्यादा। तो रूड और हार्श बिहेवियर था। ही नेवर इंटरेक्टेड विद हर पोलाइटली एंड हम्बली। कभी पोलाइटली, प्यार से और बहुत ही आराम से उसके फादर, केजिया के फादर उससे कभी आराम से बात नहीं करते थे। ही ऑलवेज केप्ट ऑर्डरिंग हर टू डू वन थिंग और द अदर। ही इवन बीट हर। तो मतलब ऐसा है कि हमेशा ये कहते थे ये काम करो वो काम करो, कई बार उसकी पिटाई भी हो जाती थी। तो उसको इसलिए अपने फादर से डर लगता था। नेक्स्ट है, हु वर द पीपल इन केजियाज़ फैमिली। केजिया की जो फैमिली थी उसमें कौन कौन लोग थे? तो केजिया की जो फैमिली थी उसमें उसकी ग्रैंड मदर थी, मदर थी मतलब दादी थी, और उनकी मदर थी, केजिया की माँ थी, और उनके फादर थे। तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स थे। नेक्स्ट है, वाई वॉज केजिया फादर, वॉट वॉज केजियाज फादर्स रूटीन। केजिया के जो फादर थे उनका रूटीन क्या था डेली का? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते थे? तो ही यूज टू किस केजिया बिफोर, सॉरी, ही यूज टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। तो केजिया को किस किया करते थे वो अपनी बेटी को जाने से पहले ऑफिस। नेक्स्ट है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वापस आने के बाद वो क्या करते थे? ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ऑफिस से आने के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मांगते थे न्यूज़पेपर मदर से, केजिया की, और चाय पिया करते थे। नेक्स्ट है, संडेज़ को वो क्या किया करते थे? ऑन संडेज ही वुड टेक रेस्ट, ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा। संडे के दिन वो रेस्ट करते थे, आराम करते थे और सोफे पे सोया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। किस तरीके से केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को एनकरेज किया था? मतलब कहा, एनकरेज करने का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया था कि भाई जाओ अपने फादर से बात करो, उन्हें जानो। तो कैसे किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, केजियाज ग्रैंड मदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम। तो केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को अपने फादर के रूम में भेजा, सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिम। बिसाइड शी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ अ पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे। कि भाई जाओ अपने फादर से जाकर के बात करो, अपने फादर के बर्थडे पर एक पिन कुशन, कुशन टाइप का बनाओ अपने फादर के लिए। तो ये कहा था ग्रैंड मदर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन? तो केजिया ने तो ये एफर्ट किए थे कि भाई वो अपने फादर को खुश कर दे, मगर किस तरीके से उसने अपने फादर को और भी ज़्यादा दुखी कर दिया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, केजिया यूज टू बी एफर्ट ऑफ अ फादर बिकॉज ऑफ हर फादर टॉक टू हर हार्शली। तो अपने मतलब फादर से काफ़ी वो डरा करती थी क्योंकि उसके फादर उससे काफ़ी हार्शली बात करते थे। वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे। तो एक दिन ग्रैंड मदर ने कहा कि मतलब अपने फादर के बर्थडे पे तुम उनके लिए पिन कुशन बनाओ। विच वॉज अप्रोचिंग, जो मतलब बर्थडे आने वाला था तो उसके लिए कोई गिफ्ट बनाओ अपने हाथ से अपने फादर के लिए। ऐसा केजिया की ग्रैंड मदर ने उनसे कहा, केजिया से। केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। तो केजिया ने सोचा कि भाई खुश करने का मौका है फादर को, कि फादर खुश हो जाएंगे मेरे से। सो शी स्टिच्ड कॉटन क्लोथ 3 sides एंड लुक्ड फॉर द थिंग्स दैट कुड बी स्टफ्ड इन टू द स्टिच्ड क्लोथ। तो केजिया ने क्या किया कि तीन तरफ से एक कपड़े को सिल दिया, और उसमें क्या कि भाई अब अंदर भी कुछ भरा जाएगा, कुशन वगैरह अंदर भी भरने के लिए चाहिए। तो उसने सोचा कि क्या भरा जाए। सून शी फाउंड आउट मैनी शीट्स ऑफ पेपर। फिर उसको बहुत सारे मतलब कागज़ की शीट्स मिली। एक्चुअली दे कंटेंड हर फादर्स स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। शी टोर देम इन टू पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस। तो वो सोचा कि भाई पेपर हैं किसी काम के नहीं होंगे, तो केजिया ने वो सारे के सारे पेपर फाड़े और पिलों में भर दिए।
मगर वो पाप वो जो पेपर थे ना वो उसके पापा के लिए उसके फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो उसमें उनकी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच लिखी हुई थी। तो इसकी वजह से जो केजिया से उसके फादर और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि मतलब ऐसे कैसे बिना पूछे उन्होंने केजिया ने उसके फादर की चीज़ों को हाथ लगाया और उसे फाड़ भी दिया। तो फिर इसमें वही है आगे, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा कि वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द पेपर ही डिड नॉट फाइंड हिम फाइंड देम, तो मतलब पेपर ढूंढने लगे तो नहीं मिले। आफ्टर सम टाइम ही केम टू नो दैट केजिया हैड टोर्ड देम इनटू पीसेस टू मेक अ पिन कुशन। फिर थोड़े टाइम बाद पता लगा कि केजिया ने उनको फाड़ दिया है पिन कुशन बनाने के लिए। ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड बीट हर विद अ रूलर, तो और वो मतलब बहुत ही गुस्सा आया, इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ही चिड़ हो गई, बहुत ही गुस्सा आ गया फादर को इस बात से और केजिया की अच्छी वाली पिटाई लगा दी स्केल से। दस हर एफर्ट्स टू प्लीज अ फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, तो इस तरीके से मतलब पापा के उसने अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कागज फाड़ दिए, तो खुश करना चाह रही थी, गिफ्ट बनाना चाह रही थी और बदले में क्या हो गया, और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज़ फादर। तो केजिया को मतलब अपने पड़ोस में उनके रहते थे ये मिस्टर मैकडोनल्ड, तो मतलब उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चों के साथ खेलते वेलते हैं और केजिया तो अपने फादर से बड़ा डरती है, तो यही हुआ कि उसने ये फाइंड आउट किया कि बहुत ही अलग अलग तरीके के फादर होते हैं और कि केजिया के फादर और मिस्टर मैकडोनल्ड काफ़ी अलग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन केजियाज़ ओपिनियन हर फादर वॉज़ वेरी हार्श, तो केजिया के ओपिनियन में केजिया के फादर काफ़ी ज़्यादा हार्श थे। ही डिड नॉट टॉक टू हर अफेक्शनली बट रादर ही यूज टू स्पीक टू हर स्ट्रिंजेंटली, काफ़ी अच्छे से अफेक्शन के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करते थे, काफ़ी हार्श तरह से बात करते थे केजिया के फादर उससे। सो शी अवॉइडेड हिम, तो वो अवॉइड ही करती थी अपने पापा को, दूरी रहो। She did not want to be in front of him because she was afraid of him. वो अपने फादर के सामने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि काफ़ी वो उनसे डरती थी। Moreover, her father never spent time with her. और उसके फादर जो है उसके साथ टाइम भी नहीं बिताते थे बिल्कुल भी केजिया के साथ। मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, मैकडोनल्ड फैमिली उनके घर के पड़ोस में रहती थी। वन ईवनिंग शी सॉ हिम प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, उसे देखा कि मैकडोनल्ड मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अ बेबी वॉज ऑन हिज शोल्डर एंड टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, एक बेबी तो शोल्डर पे था और दो छोटी छोटी बच्चियाँ जो उनका कोट की पॉकेट था उस पर लटकी हुई थी। दे वर लाफिंग, वो लोग काफ़ी खुश थे। She also saw some boys turn the hose on McDonald and he tried to catch them laughing all the time. तो वही मतलब अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। She found them feel friendly with their father. उसको लगा कि मतलब ये बच्चे अपने फादर के साथ कितने फ्रेंडली तरीके से हैं। So she wished if her father were like them. फिर उसने विश किया कि काश उसके केजिया के फादर भी मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे होते। ये वाला आंसर थोड़ा सा बड़ा है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए अपना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो केजिया को मतलब कब समझ में आया, कब ऐसा लगा कि केजिया के जो फादर हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको मतलब फादर को केजिया की सिंपैथी चाहिए, ऐसा केजिया को कब फील हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। तो एक बार क्या हुआ रात में कि केजिया को एक ड्रीम आया जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। टेरिफाइड का मतलब होता है काफ़ी डर जाना। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो मतलब डर की वजह से रो रही थी। वेन शी वोक अप शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड, और फिर जब उसकी नींद खुली तो उसे देखा कि उसके फादर जो हैं उसके बेड के साइड में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज, फिर फादर ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो। वेन शी केम टू नो अबाउट हर When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. फिर जैसे बच्ची ने बताया कि मतलब डर लग रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या किया, मतलब कैंडल बुझा दी और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। He carried her to the big bedroom, और वो अपने साथ उसको दूसरे बेडरूम में ले गए। He laid her on the bed and pulled the covers up around her, और बच्ची को बेड पर लिठाया और उसके ऊपर चद्दर ढक दी। Apart from this, he lay down beside her, और उसके साथ में लेट गए। After some time, still half asleep, she crept close to him, snuggled her
head under his arm and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable. फिर अपने पापा के साथ लेट गई जा करके और फिर उसके पापा ने उसको चादर उड़ा दी, उसके पास में लेट गए, मतलब अपने आर्म पे उसका सर रख के तब सुला ली, और बच्ची ने अपने पापा की शर्ट को बहुत ही मतलब टाइटली पकड़ लिया और वो आराम से सो गई. हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट लेग्स एंड गेट देम वॉर्म. फिर फादर ने कहा कि अपने पैर जो है मेरे पैरों से रगड़ लो ताकि तुम मतलब डर गई हो, तुम्हें डर ना लगे, थोड़ी गर्मी मिल जाए तुम्हें. नाउ केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट एज हार्श एज शी थॉट. फिर ये सब लगा कि पापा इतना ध्यान रख रहे हैं तो केजिया को लगा कि उसके फादर इतने हार्श, इतने टफ, इतने बुरे नहीं है जितना वो सोचती थी. शी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग सो He get tired. He could not play with her. फिर उसे समझ में आया कि उसके फादर पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए वो उसके साथ खेल नहीं सकते. She realized that her father wanted her to understand his compulsion. At bottom, he was a very good person. फिर उसको समझ आया कि मतलब उसके फादर भी सोचते होंगे कि भाई इतना काम करता हूँ मैं, बच्चे के साथ नहीं खेल सकता, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता. तो केजिया को लगा कि भाई ये सब मुझे भी समझना चाहिए और दिल से जो मेरे पापा हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन. आपको कैसा लगा बता सकते हैं. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू.